हेलो एवरीवन, इंग्लिश वर्ड मीनिंग के एपिसोड नंबर 22 में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के वर्ड्स और उनके मीनिंग। तो फर्स्ट वर्ड है डिस्गस्ट, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग और अप्रूविंग ऑफ समथिंग और समबॉडी। प्रबल अनिच्छा, ये किस चीज में यूज किया जाता है? जब आप किसी को पसंद नहीं करते या किसी चीज को आप अप्रूव यानी कि हाँ नहीं करते, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि आप उसे पसंद नहीं करेंगे या उसको मना ही है, आप उसको कभी भी अप्रूवल नहीं दे सकते, तब उसमें हम लोग डिस्कस्ट शब्द का जो यूज करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है कि आप उस चीज को मतलब लाइक नहीं करेंगे या फिर उसे मना करते हैं। इम्पार्शियल, नॉट सपोर्टिंग वन पर्सन और ग्रुप मोर देन अनदर। निष्पक्ष, इम्पार्शियल का मतलब है कि आप पार्शियलिटी यूज नहीं करेंगे। दो या दो से ज्यादा ग्रुप किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मान लेते हैं, तो आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट नहीं करने वाले, आप प्योरली उनकी परफॉर्मेंस पे उनको जज करते हैं। तो किसी को भी आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसमें निष्पक्ष यानी कि इम्पार्शियल हम लोग शब्द का यूज करते हैं। हॉस्टाइल, हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट सम बॉडी और समथिंग। प्रतिकूल भाव, जब किसी के खिलाफ हमारे मन में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है तो उसे हम लोग हॉस्टाइल वर्ड का यूज करते हैं। प्रतिकूल मतलब किसी चीज को बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हैं रिजेक्ट करने की फीलिंग को हॉस्टाइल बोलते हैं। तो आई होप कि आपके 3 वर्ड्स क्लियर हुए होंगे। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।